मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल को 3 दिने भ्रमण में आज कोलकाताबाट बागडोगरा आइपुगिन्। मुख्यमंत्री दार्जिलिंग को भ्रमण को क्रम में विभिन्न कार्यक्रम को हिस्सा बनने। त्यसरी नै आगामी 13 नोवेम्बर 2024 साँझ 3 बजे उनले दार्जिलिंग चौरस्ता में सरस मेला को उद्घाटन करने, जहां सरस मेला को निम्ति तीव्र रूप में तैयारी चलिरहेको छ। बागडोगरा एयरपोर्ट में पत्रकारहरूलाई संबोधन करते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूललाई विधानसभा उपचुनाव में समर्थन गर्न अपील गरेकी छन्। पछिल्लो विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अलिपुरद्वार में एउटा सीट पनि जित्न सकेन भन्दै मुख्यमंत्री ने राज्य का 6 वटै निर्वाचन क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार समर्थन गर्न आग्रह गरेकी छन्। मुख्यमंत्री स्वागत गर्न एयरपोर्ट में समर्थकहरू को भीड़ लागेको थियो। पहाड़ का विभिन्न विकास बोर्ड का प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री स्वागत गरेका थिए। मुख्यमंत्री ने विमानस्थल में पहाड़वासीबाट उपहार पनि लिएका थिए। त्यसपछि उनी दार्जिलिंग तर्फ प्रस्थान गरे। मैडम एक सामने मैडम मैडम, महाराष्ट्र में आपका जो पॉलिसी लोखीर भंडार 3000 रुपीज करके नहीं झूठा है, मैंने उसको फाइंड आउट किया है। क्यों झूठा बोल रहा है आप? वो 1200 देता है जब 2 महीना दिया, उसका बाद देखो बंद कर देगा कि क्या करेगा। अब तो 1250 आप इसे निकाल सकते हैं। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना? हाँ, 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं, ऑफर निकलना चाहे क्रेडिट दो। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोस मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।